हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक हैशटैग जनरेटर ऐप क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको डेमो दिखा देते हैं इस ऐप का। तो यहाँ से मैंने इस ऐप को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसे हम ओपन कर लेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। तो किसी भी कैटेगरी को यहाँ पे चूज करना है और उससे रिलेटेड कोई भी हैशटैग कैसे जनरेट करना है वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और इस टाइप का ऐप हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ से देख लीजिए। तो लाइक यहाँ से मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम किस तरह से हैशटैग जनरेट करते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा उससे रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे इस पर रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका हैशटैग से रिलेटेड। तो आप यूट्यूब का हैशटैग यहाँ से आप डाल सकते हैं या फिर किसी भी यहाँ पे आपको मीडिया में आपको डालना हो तो किसी भी सोशल मीडिया में आप इस हैशटैग को डाल सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, आप किसी को भी शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी कर सकते हैं, होम पेज पे आ जाएंगे। तो इतने सारे आपको फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूट्यूब से रिलेटेड। तो कोई भी अगर आप यूट्यूब के लिए आप कोई भी हैशटैग जनरेट करना चाहते हैं या फिर किसी भी सोशल मीडिया के लिए हैशटैग यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीके से यहाँ से आप जनरेट कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट नीचे दिया गया एड मूव का ऐड, तो यहाँ से एड मूव का ऐड भी आप लगा सकते हैं। तो कैसे सब चेंज करना है, कैसे इसमें पैकेज का नेम चेंज करना है, प्राइवेसी पॉलिसी कैसे चेंज करना है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए और कोई भी स्किप नहीं करना। फिर आपको यहाँ पे नेविगेशन बार में आपको इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से होम का फीचर्स है, अबाउट अस का पेज है, तो यहाँ पे एक इंटरसियल ऐड भी है, तो यहाँ पे इंटरसियल ऐड भी शो हो जाएगा। कैसे चेंज करना है ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अबाउट अस का पेज है, होम पेज का है, सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी कैसे चेंज करना है वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको नहीं बता पाए थे इसमें, तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ सारे स्टेप्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो कैसे प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करते हैं, कैसे पैकेज का नेम चेंज करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन शायद किसी को प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद से हम यहाँ से हैशटैग यहाँ पे जनरेट कर देंगे किसी को भी ओपन करके। लाइक मनी से रिलेटेड कोई भी हैशटैग जनरेट करना है तो यहाँ से आप इसे ऐड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस ऐप को हम क्रिएट करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो यहाँ से हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल पे आना है और यहाँ से क्लोज प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन आपको 3.+ ही रखना है जिससे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद से हमें ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हम इसे इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इसका सोर्स कोड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसका एपीके डाउनलोड करके देखना चाहते हैं कैसे वर्क करता है तो आप इसका एपीके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सोर्स कोड है, सोर्स कोड यहाँ पे आपको जिप फाइल मिल जाएगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, देने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो फाइल है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो सोर्स कोड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ से मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो आपको सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना है क्योंकि हम इसमें सारी चेंजिंग करके आपको बताएंगे और जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप इस ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश भी कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पाथ दे के भी हम उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम इसका पाथ जो है दे देते हैं। तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने अपने सोर्स कोड को रखा हुआ है तो यहाँ पे डेस्कटॉप का यहाँ पे आपको पाथ यहाँ पे ले लेना है, जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है सोर्स कोड को यहाँ से इसे हम ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का एक आइकन यहाँ पे शो हो जाएगा, इसको आपको ही हैशटैग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर इसे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने नेट को ऑन करना है और एकदम प्रॉपर नेट की कनेक्टिविटी रहेगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ सेकेंड के बाद यह इम्पोर्ट हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। तो मैंने एक बार इम्पोर्ट किया था इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लिया। तो आपका इसमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा।
और इसके बाद से इम्पोर्ट हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद से सारी फाइल को यहाँ से हम ओपन करके दिखाते हैं और सारी चेंजिंग करके भी हम आपको बताएंगे इसमें। इसमें पैकेज का नेम कैसे चेंज करना है, कैसे प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करना है और यहाँ पे कैसे ऐड को चेंज करना है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप देखते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल है, इसे हम ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो मैनिफेस्ट वाले फाइल में यहाँ पे इतनी सारी परमिशन यहाँ पे पास किया गया है। फिर यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे ऐड मूव का ऐड लगाया गया है। तो ऐड मूव का ऐड कैसे लगाना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। फिर यहाँ पे हम आपको जस्ट चेंजिंग करके चेंजिंग करना बताएंगे कैसे चेंज करते हैं। तो ऐड मूव का ऐड कैसे लगाते हैं मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप उसको वहाँ से देख के लगा सकते हैं। मैं इसमें हम आपको बता देंगे कैसे आप चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी सारी फाइल को यहाँ से हम ओपन कर लेंगे, जावा फाइल को। और यहाँ पे आरएस वाली फाइल है, इसे भी हम यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ड्राइवर फोल्डर में इतनी सारी फाइल्स दिए गए, इतनी सारी इमेजेज हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे लेआउट वाली फाइल में आएंगे, इसे भी ओपन कर लेते हैं। कोड एंड यहाँ पे डिज़ाइन भी आपको दिखाते हैं साथ में। और नेक्स्ट है, इसे भी हम यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो अगर कुछ चेंजिंग करना है तो आप उसको यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। इसको भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद से आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ऐड लगा हुआ है। तो ऐड को चेंज करने के लिए आपको मेनली यहाँ पे नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद जब यहाँ पे ऐड आप क्रिएट कर देंगे तो सब कुछ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। बस आपको जो ऐड लगाना है, आपने ऐड की आईडी यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको इतना ही करना है, यहाँ पे ऐड की आईडी आपको लगा देना है अपने ऐड मूव की आईडी को, जिससे कि आप अर्निंग कर सकते हैं प्ले स्टोर में पब्लिश करके। तो यहाँ से आपको ऐड इस तरह से आप ऐड लगा देंगे, ठीक है। बाकी सर अगर आइकन चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और जब यहाँ पे बस मैंने एक यहाँ पे ऐड लगाया हुआ है नीचे, तो यहाँ पे इसे ऐड को आप इसे इस तरह से चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद से जावा वाली फाइल में आएंगे, और जावा वाली फाइल को भी यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ पास कर दिया है, ऐड की आईडी और बाकी सारी ऐड व्यू जितने भी उसमें पोर्शन लिखा जाता है तो सब लिख दिया गया है। बस यहाँ केवल आपको यहाँ पे ऐड की जो आईडी होगी, ऐप की आईडी होगी, वो बस आपको चेंज करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे जावा वाली फाइल में हम आपको दिखा देते हैं। तो बाकी सारी यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे जैसा है वैसे रहने देना है। जो चेंज करना होगा बस आपको वैल्यूज फाइल से सारी चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको सारा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और देख लेंगे कोई भी एरर तो नहीं है। तो अगर कोई एरर रहता है तो आपको पहले उस एरर को रिमूव कर लेना है, और एरर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो यहाँ से सारी फाइल भी हम यहाँ से ओपन करके देख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद से आपको आना है वैल्यूज फाइल में, और मेनू फाइल को भी ओपन करके दिखा देते हैं। तो मेनू फाइल में इतने सारे आइकन्स दिए गए हैं, अगर आइकन आपको चेंज करना है तो आप आइकन यहाँ से चेंज कर सकते हैं मेनू फाइल से जाके। फिर आप वैल्यूज फाइल है, इसे ओपन कर लेंगे। कलर कोई चेंज करना हो तो आपको कलर्स में आके चेंज कर लेना है, जैसे इसमें ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे आपको मेन फाइल है स्ट्रिंग फाइल, ठीक है। स्ट्रिंग फाइल में आपको आना है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको ऐप की आई डी, ऐड की आई डी और इंटरसियल ऐड आईडी यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे जो आईडी रहेगा, आईडी आपको बस यहीं पे पास करना है, कहीं और पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐड की आईडी दिया है, ऐप की आईडी दिया है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐड मूव की ऐप आईडी आपको ऊपर लिख देना है। फिर यहाँ पर इंटरसियल ऐड जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको आईडी यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर बैनर ऐड आईडी रहेगा तो आपको यहाँ पे बैनर ऐड आईडी यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करना है, तो आपको नीचे आना है। प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे आपको लिंक है, अगर कोई आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया गया है। जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी आपको यहाँ से चेंज कर लेना है, और आपको अपने ऐप कोई भी वेबसाइट होगा तो उस वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर दे देना है।
तो इस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी जो होगा यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे सब कुछ चेंज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चेंजिंग करके आपको बता दिया। फिर यहाँ पे बिल डॉट ग्रेडल में आएंगे और आने के बाद यहाँ पे API लेवल मैंने 29 लिया है, मिनिमम SDK भी यहाँ पे आप यहाँ से देख लेंगे और बाकी सारी चेंजिंग है यहाँ से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद से हमें रिफ्लेक्टर पे आएंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड करने में, तो आप यहाँ पे माइग्रेट टू एंड्रॉयड एक्स कर सकते हैं और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी होगी प्रॉपर ऐड हो जाएगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तभी आपको करना है, नहीं तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मिनिमम आपको जो प्ले स्टोर पब्लिश करने के लिए यहाँ पे आपको 16 लेना होता है मिनिमम SDK, तो मैंने आपको यहाँ पे ले लिया। फिर यहाँ पे कैसे पैकेज का नेम चेंज करना है वो आप देखिए। फिर यहाँ पे पैकेज का नेम चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे टेक्निक कॉम के बाद जो भी रहेगा आपको उसको चेंज करना होता है। फिर यहाँ पे इस पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है रिफ्लेक्टर रीनेम और रीनेम पैकेज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम कोई दूसरा पैकेज यहाँ ले लेते हैं, लाइक मैंने लिख दिया ड्यूड, रिफ्लेक्टर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डू रिफ्लेक्टर। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरह से आप पैकेज का नेम चेंज कर देंगे। इसके बाद से मेन पॉइंट आता है, पैकेज का नेम चेंज हो जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है बिल डॉट ग्रेडल वाल फाइल में और यहाँ पे भी इसे रिमूव कर देना है। फिर यहाँ पे लिख देते हैं ड्यूड। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं हो पाता है ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से हमें यहाँ से पैकेज का नेम यहाँ से चेंज कर देंगे, फिर सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे तो पैकेज का नेम प्रॉपरली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको पैकेज का नेम चेंज कर लेना है और पिछले वीडियो में पैकेज का नेम अगर चेंज नहीं हो पा रहा होगा तो आपको इस तरह से यहाँ पे चेंज कर लेना है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पे बिल APK जनरेट कर लेते हैं और इस ऐप को हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में रन करा के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से एमुलेटर में रन नहीं हो पाता है प्रॉपर, क्योंकि यह नेट की कनेक्टिविटी से यहाँ से ओपन होता है, तो एमुलेटर में प्रॉपर नेट नहीं चल पाता। इस वजह से यहाँ पे हम इसका APK जनरेट करेंगे और APK जनरेट करने के बाद अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में इसे रन करा के आपको दिखाएंगे कि कैसे वर्क करता है और कैसे यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो बाकी सारी चेंजिंग थी जितनी भी, अब सब मैंने आपको बता दिया। अगर आप यहाँ पे ऐप का यहाँ पे लोगो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको आ जाना है मीप मैप में और यहाँ पे आपको फोल्डर पे क्लिक कर देना है। फिर जहाँ पे भी आपने इसका आइकन या लोगो रखा होगा ऐप का, अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको उसकी साइज़ 510 एंड 512 हाइट एंड वेथ देनी है, फिर ऐसे सेट हो जाएगा। फिर सेकेंड मेथड होता है कि ऐप को चेंज करने के लिए आपको मैनिफेस्ट वाली फाइल में आना है और यहाँ पे आने के बाद आइकन के बाद जहाँ पे भी रखा होगा आपने वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बिल APK जनरेट हो गया, इस पे लोकेट पे क्लिक कर देंगे, इसे ओपन कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे इसका APK का नेम चेंज करना है तो APK का नेम चेंज करने के लिए यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे #, कोई भी नेम आप दे सकते हैं। और इसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे और अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में रन कराते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ले लिया, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। और इंस्टॉल करने के बाद इसे हम ओपन कर लेना है। तो मैंने सारी चेंजिंग करके आपको बता दिया, अब आप इसे प्ले स्टोर पर पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यहाँ से इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटरफेस। इसे ओपन कर लेंगे, इसमें बहुत सारी दी गई हैं। फिर अगर कोई भी यहाँ से ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी हैशटैग रहेंगे वो सारे हैशटैग आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने किसी भी यूट्यूब में डाल सकते हैं या फिर किसी भी सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, किसी भी कहीं भी डालना चाहें तो आप इस हैशटैग को आप अपने सोशल मीडिया में आप इसे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश का बटन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट यहाँ पे आपको हैशटैग मिल जाएगा। फिर यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन पे कोई भी अगर कोई भी किसी से भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे तो होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम पेज आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट आप यहाँ पे हैशटैग आप जनरेट कर देंगे और जनरेट करने के बाद आप इसे किसी भी यहाँ पे सोशल मीडिया में आप इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको ऐड भी मिल जाएगा।
ऐड आपको इंटरशियल ऐड और बैनर ऐड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कैसे चेंज करना है और यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सब मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो आप इसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मेनू बार में आ जाना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे होम पेज का, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, रेटर्स का, और यहाँ पे शेयर, फिर कॉन्टेक्ट अस, तो ये सारे यहाँ पे फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इंटरशियल ऐड यहाँ पे शो हो जाता है। फिर यहाँ पे इसे ओपन कर लेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे डालना है तो आपको यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप डाल देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी कैसे सब चेंज करना है वो सब मैंने आपको वीडियो में बता दिया। फिर यहाँ पे आप इसको बहुत ही अच्छे से आप यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। फिर ये शेयर करना हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, इतने सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो इसको आप क्रिएट कर लीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मनी से रिलेटेड। लाइक यहाँ पे मनी का अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं, हैशटैग क्रिएट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ से आप क्रिएट कर लेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो वीडियो अगर यूजफुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।